हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल, या आप बोल सकते हो हिंदी में शायद बीजगणित बोलते हैं, तो उनमें जो इक्वेशन होते हैं और उनका डिवीजन होता है वो आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में जिस तरीके के क्वेश्चन जैसे कि दिए होता है, एक इक्वेशन दिया होगा और उसका आपको डिवीजन करना है। किसी भी आपको एक्स प्लस वन दे दिया हो या इसकी जगह और कुछ भी दिया जा सकता हो, जिसे बोलते हैं पॉलीनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये एक राहुल पटेल द्वारा भेजे गए क्वेश्चन, उन्हीं को मैं कराऊँगा। ओके, तो जो कि पहला क्वेश्चन है, 3a² + 5a + 7, इसका क्या डिवीजन करना है किससे? 3a - 1 से। इस तरीके की क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ कि जिस तरीके से आप किसी भी संख्या का डिवीजन करते हो, जैसे कि मैं बात करूँ 24 का डिवीजन करते हो आप किससे, 2 से करते हो, तो आप क्या करते हो, 2 एकम 2, 2 बार जाएगा ये कट जाएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4। तो इसी तरीके से ऐसे ही वो क्वेश्चन करना है। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, प्लस माइनस ध्यान रखना है, बस उसमें और कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है। और फर्स्ट जो टर्म रहता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं 3a² + 5a + 7 का डिवीज़न किससे कर रहा हूँ, 3a - 1 से। 3a - 1 से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो पहली टर्म क्या है, यहाँ पर 3a² है और यहाँ पे क्या है, 3a। आपको सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसे देखकर आपको डिवीजन करना है। जैसे कि यहाँ 3a, अब यहाँ पे किस संख्या से डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 3a आ जाए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3a² हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3a² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखो ये प्लस का दिया हुआ है और ये माइनस का है, तो ये क्या कट जाएंगे, और यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये क्या जुड़ जाएंगी, यानी 6a हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, 7 + 7 दिया हुआ है, तो प्लस का 7 उतार लूँगा। आगे किससे, यहाँ पे देखो 6a आ रहा है, तो 6a यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 6a आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर +2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही। अगर मैं माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस का ही करूँगा, +2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6a, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 9। तो जो शेषफल बचेगा इसमें वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, और भागफल क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा a+2। ओके, तो इस तरीके से ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k² + k 4k + 4, इसका डिवीजन करना है k+2 से। अब यहाँ पे अब मैंने जैसे कि बोला, फर्स्ट टर्म आपको याद रखना है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं k से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे कि k² आ जाए, तो k² + 2k हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2k बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस का 4 यहाँ पे उतार दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखोगे +2k + 4 है, तो प्लस किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे +2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्लस का 2k आ जाएगा, तो 2k यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और प्लस का ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा दोनों, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, k+2, तो इसका आंसर आ जाएगा k+2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x² - k 3x - k 5, इसका डिवीजन करना है x+1 से।
अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा टू एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो अब देखोगे इसमें इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और टू एक्स का वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का टू एक्स। तो अब देखोगे यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, क्योंकि ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। आगे क्या दिया हुआ है, माइनस का 5 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे किससे, देखो माइनस 5x आना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस 5x के मल्टीप्लाई, माइनस 5x कब आएगा, जब मैं यहाँ पे माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें एक्स प्लस वन में, तो एक्स प्लस वन में देखोगे आप तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो आप देखोगे यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 5, इसका जो ये जो होगा वो भागफल होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस के 13x प्लस के 15, इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 5 से। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यू है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 से करूँगा तो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस का 5x². तो आप देखोगे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा, अब देखोगे ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का माइनस का है तो ये घट जाएंगे, यानी 2x² बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है जो 5x² है। आगे क्या दिया हुआ है, 13x माइनस का 13x उतार देंगे यहाँ पे, आगे किससे, यहाँ पे 2x² आना चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ 2x से मल्टीप्लाई कर दूँगा प्लस का 2x से, तो प्लस का 2x मल्टीप्लाई करूँगा जब इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और माइनस का 10x आ जाएगा। तो आप देखोगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये कितना आ जाएगा, ये माइनस है 13x और प्लस का है 10x, तो माइनस का कितना बचेगा 3x, माइनस का 3x बचेगा, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3x और प्लस का 15 यहाँ से उतार लिया। आगे किससे, आगे यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -3 से, -3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस 5 में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 15, क्योंकि -3 और -5 है तो जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो, यानी ये कट जाएगा, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं, अलग टाइप का है थोड़ा, टू एक्स की पावर 4 माइनस के 3x³ है, 3x³ माइनस के 3x² प्लस का 6x माइनस का 2, इससे डिवीजन करना है किसका, इसका डिवीजन करना है x² माइनस 2 से। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्यू है, यहाँ पर x² है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले 2x² से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2x से x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 2x है माइनस का और यहाँ पे क्या है, 2x² है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आएगा, वो भी माइनस का, जबकि यहाँ पे क्या है, 3x² जो क्यू है, यहाँ पे 3x की पावर कितनी है, 3 है, पर यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x² है, तो क्या हुआ, x² की पावर की आपको x² की पावर के नीचे लिखना है, ना कि यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ इसके नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x²
अब आप देखोगे यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3x³ बचेगा यहाँ पर, ये वाला माइनस का, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x², क्योंकि ये जो है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो 4x² में से माइनस का 3x² जाएगा, तो प्लस का x² बचेगा। आगे क्या है, 6x यहाँ पे उतार लेंगे। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा है माइनस का 3x, माइनस का 3x³ प्लस x² + 6। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 3x³ है, जबकि यहाँ पे 3x³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3x से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा x² - 2 में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3x³। आगे क्या है, ये माइनस का 3x है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस का, तो प्लस का 6x क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस का 6x मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो ये देखोगे आप, ये माइनस का, ये माइनस का, फिर प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x² बचेगा और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2x। तो मैं यहाँ पे ये हटा के ना ये पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आखिरी में जो बचेगा x² - 2x। अब इससे क्या, x² - 2 है, अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, +1 से, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही आएगा, तो x² - 2, तो ये भी कट जाएगा, तो इसका जो भागफल क्या आया, भागफल आया 2x² - 3x + 1। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आपको जो इक्वेशन दी हुई है, अगर मान लो 3x³ इधर है और जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कुछ स्क्वायर में आ रहा है, तो आप जो स्क्वायर है ना उसके नीचे लिखना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था आज का वीडियो, जो पॉलीनोमियल या बात करें तो बीजगणितीय जो इक्वेशन होते हैं उनको डिवीजन किस तरीके से करना है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया हुआ और एक बेल आइकन आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।